सभी को प्रणाम। प्रोफेसर शशि प्रताप शाही जी का मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह है। उन्होंने मुझे इस दुगने ऊर्जा क्षेत्र में आमंत्रित किया और बड़ा सम्मान देके आमंत्रित किया, मुख्य अतिथि का ओहदा दिया। तो मेरा अपना विश्वविद्यालय बहुत कम लोगों को पता होगा, 1987 में मैंने इसी विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान विभाग से पीएचडी की। अलबत्ता उसके बाद में इधर उधर पूरे देश में चक्कर काटता रहा, मुझे डिग्री ले जाने की समय नहीं मिला। शाही ने मुझे आमंत्रण दिया, मुझे बहुत अच्छा कि मैं अपने विश्वविद्यालय में एक बार फिर जा रहा हूँ और बड़े गौरवपूर्ण क्षण का गवाह साक्षी होने करके जा रहा हूँ। इतिहास मेरा विषय नहीं रहा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि इतिहास मेरा विषय नहीं रहा। इतिहास तो हम जीते हैं और मेरी जिस पुस्तक की चर्चा श्रीवास्तव साहब ने की, नितिन श्रीवास्तव साहब ने, पहले मैं इसका नाम देने जा रहा था मैंने इतिहास को देखा है। तो हमारे प्रकाशक ने कहा कि सर कॉमर्शियल एंगल से थोड़ा नाम बदल दिया जाए। मैंने कहा भाई कॉमर्शियल एंगल से इसका कोई नाम नहीं हो पाएगा, इसको चलने को, लेकिन नाम बदला गया। वो नाम ज्यादा जो बदला गया वो ज्यादा सटीक बैठता, क्योंकि शुरू मैंने इसी से किया था कि उसमें इतिहास के कई पक्ष हैं, जैसे आपातकाल का एक पक्ष है और बहुत सारी चीजें जो हमने जिंदगी को चलते हुए देखा, इतिहास में आप उसका पोस्टमार्टम कर देते। तो मुझे मौका मिला इतिहास पर थोड़ा चिंतन करने का, बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा इतिहास पर मेरा अध्ययन नहीं है, आपने अध्ययन किया है, उस पर जो बातें मैं कह रहा हूं हो सकता है उस पर काम हुआ है, लेकिन मेरे दिमाग में जो सवाल कौन थे, मैंने सोचा आपके सामने उन सवालों को तो डाल ही दूंगा और वो जिस लायक हो आप उनके साथ वही ट्रीटमेंट दें। पहला सवाल मुझे दिमाग में आया जब मैं प्राथमिक विद्यालय का विद्यार्थी था, दर्जा 4 का विद्यार्थी, भारत पर पाठ पढ़ाया जा रहा। हमारे टीचर इकलौते टीचर थे उस स्कूल में, श्री लक्ष्मी प्रसाद अग्रवाल, बड़े अच्छे टीचर थे। सवाल के अंत में था भारत की खोज किसने की। मैं बुरी तरह भ्रम में पड़ गया। मैंने उनसे पूछा मुंशी जी भारत कहां खो गया था। तो मुंशी जी भी चकरा गए, क्योंकि वो भी पढ़ते आए थे, वास्को डी गामा आया, ये शुरुआत में भारत की खोज किसने, सबने यही पढ़ा। तो हमने कहा जैसे हमारी गैया खो जाती है, तो हम कहते हैं गैया खो गई, खोज नहीं करते, लेकिन अगर गैया वहीं बनी हुई है तो हम कैसे कहेंगे गैया खो गई। खैर बोले हाँ, देखना आगे सवाल का जवाब खोजना। जब आगे बढ़े, आगे पढ़ा, पढ़ना शुरू किया, इलाहाबाद में आए, तो पता चला हमारे देश के बहुत महान नेता ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की एक किताब लिख डाली। अब मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे सदमा लगा कि भाई हमारे भारत का इतना बड़ा नेता, कर्णधार, प्रधानमंत्री, ये भारत को खोजने चला है तो यहां घर क्या रहा। तो बाद में पता चला कि
एक समृद्ध परिवार से थे, उनके पिताजी बहुत बड़े बैरिस्टर थे इलाहाबाद के, और मैं 4 साल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहा, वहां से एमएससी किया। मेरे विश्वविद्यालय से आनंद भवन बहुत दूर नहीं था, संगम जाने के मार्ग में पड़ता है, लेकिन उस दौरान में कभी आनंद भवन नहीं गया, दिमाग में कौतूहल ही नहीं आया। एक रहता है ना भाई, एक तो बहुत बड़े वकील, वकालत पेशा, विदेशों से सरोकार है, इस पे जो सवाल मैं आप पर डालना चाहता हूं, ये अंग्रेजी सोच का कारण था। जो जितनी किताबें लिखी गई उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ा, और मूल ग्रंथ जिनको कोट किया वो ज्यादातर अंग्रेजी में थे, तो उसकी गहराई में मैंने सोचना शुरू किया। पूरी दुनिया पे भाषा का राज चलता है, आदमी उसका कैरियर है, हम उसको लेके चलते हैं। बिना भाषा के क्या आप किसी शासन व्यवस्था, किसी भी संवाद, किसी भी चीज की, इवन प्यार मोहब्बत की भी बात कर सोच सकते हैं? जेन्युइन प्रेम होगा तो भाषा जरूरी नहीं, तब तो मौन संवाद होता है, और कितनी बातें कह सुन ली जाती हैं शांत बैठ करके। संत की अपनी भाषा है। आप संगीत में भी देखते होंगे, जो संगीत में पौज आता है, अगर वो पौज नहीं आवे तो गीत का, संगीत का, म्यूजिक का सारा जो ग्रेस है, उसका सील है, मर्या, पूरा उसका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। तो गैप, वो शांति, वो मौन, सौंदर्य उसी से बनता है। कोलाहल से कभी सौंदर्य नहीं बना। तो जाहिर है कि अंग्रेजी भाषा पढ़े लिखे उसी के मूल ग्रंथों से पढ़ के उसने हमारे सोच को प्रोग्राम कर दिया। आपके सामने मेरा यह सवाल है कि आप इतिहासकार हैं, आप उस प्रोग्राम को तोड़िए, उसके कैद से बाहर निकल के इतिहास लिखिए। अंग्रेजी भाषा हमारी देसी भाषाएं हैं, उनका अपना अलग राजा मान, लेकिन हमारी पटलानी कब तक बनी रहे, और हमारी भाषाएं, हमारा सोच, उसका चेरी कब तक बना रहे। हम लोग जब कंपटीशन वगैरह का तैयारी कर रहे थे उस समय, तो खासतौर से वहां विचारधारा वाले लोग, एक नैरेटिव यहां चलता था, इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग, एक कहानी चलती थी। एक कहानी ये भी चलती थी, इंडिया इज ए ग्रुप ऑफ नेशनलिटी। कुछ बोलते थे तो भाई इंडिया नेशन है कहां, सब अंग्रेजी, बहुत उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया। मेरा सवाल यह है कि आप एक इतिहासकार कौन सा नैरेटिव सेट करने जा रहे हैं जो भारत पक्षी, हमारे लिए कौन सा नैरेटिव आप सुन, जो उन गलत नैरेटिव का काट करे। जैसे आर्य बाहर से आए, एक नैरेटिव सेट हुआ जो गलत प्रमाणित हो चुका है पूरी तरह से, ये एब्सर्ड बात। जो वेद की भाषा है, उपनिषद की भाषा है, तो किसी भी घुमंतू जाति जो हमले करते हुए दूसरों को डिस्प्लेस करती हुई आ रही हो, वो सुदृढ़ता, वो गहराई, वो गंभीरता नहीं आ सकती। भाषा किस तरह डेवलप करती है एक इतिहास का प्रमाण है। आप उससे देख सकते हैं कि जिस जाति ने ये भाषा, ये ग्रंथ रचे हैं, उनका उस स्थानीयता पर कितना लंबा काल गुजरा है, और वो कहां से चलते फिरते चले आए। तो ये इस, यानी
नेक्स्ट अगले सवाल जिस पर मैं आना चाहता हूँ, इतिहास का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ हिस्ट्री राइट? आपको उन नैरेटिव्स को ध्वस्त करना है, एक पर्पज ये है, जो हमारे विरुद्ध रचे हैं, भारत के विरुद्ध रचे हैं। आपको भारतीय विमर्श को सेट करना है, आपको इतिहास लेखन के माध्यम से उन महापुरुषों को वरीयता देनी है, ऊपर लाना है, जो इतिहास के किसी तहखाने में दबे हुए हैं, जो हमारे मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं, जिनके जीवन से हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, और ये सब छोटी छोटी चीजों से आता है। यहां तो हर स्थान बड़ा साधना की जगह है, बड़ा प्राचीन देश है। ये अयोध्या के प्रकरण में मैं देख रहा था, आप लोगों ने भी YouTube वगैरह पे देखा होगा, हमारे यहाँ भी एक इतिहासकार ने अयोध्या पे एक अच्छी पुस्तक लिखी है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि विदेशी लेखक हंस बेकर ने अयोध्या पे किताब लिखी, और अयोध्या पे जो किताब लिखी उसमें स्कंद पुराण का अध्ययन किया सबने। अब हम लोग इतने लोग बैठे हैं, इनमें से हो सकता है कुछ लोगों ने स्कंद पुराण का नाम ही ना सुना। हम अपने जड़ों को से नहीं जोड़ेंगे तो हम क्या इतिहास लेखन करेंगे? हम किस इतिहास को लिख रहे हैं? जो अंग्रेज बहादुर हमें समझा गया, पढ़ा गया, उसी इतिहास को लिख रहे हैं? जाहिर है हमको वहां जाना पड़ेगा। तो जब हम भारत की एक राष्ट्र राज्य की तरह परिकल्पना सोचते हैं, मेरा दिमाग सीधे उस, आप पूजा पाठ कराते हैं अपने यहाँ सत्यनारायण की, और भी पूजा जब कराते होंगे तो उसमें पहले संकल्प लेना पड़ता है, और उस संकल्प में क्या होता है? जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारतवर्षे भरतखंड, और फिर पूरे कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, यानी स्पेस, फिर टाइम दिया जाता है, कब से संकल्प लिया जा रहा है, आर्यावर्त भारतवर्ष से भरतखंड, और ये पहलवान 20वीं शताब्दी में हमको समझाने चले हैं इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग, इन बेवकूफों को हमने सिर पे बैठा दिया। ये विमर्श चला, इस विमर्श को कौन काटे? जाहिर गहराई में जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम अभी होती है कि पीएचडी है, डिग्री प्राप्त करनी है, नौकरी लेनी है, तो सरल से सरल विषय सुनना है, ठीक वो कीजिए, जिंदगी का व्यवहारिक पक्ष, लेकिन उसके बाद गंभीर लेखन होना चाहिए। 5-10 साल उस पर काम दीजिए, एक कृति अगर बहुत अच्छी आप लिखेंगे तो आगे की शताब्दियां आपको याद रखेंगे, 20 कृतियां अगर बेकार की लिखेंगे उसके बाद में जब आप चले जाएंगे तो आपके घर के लोग उसको रद्दी वाले को बुला के बेचेंगे, तो आप देखेंगे आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपको ताज्जुब होगा, पीजी में डिसर्टेशन लिखा जाता है ना, एक पेपर होता है, उसके अच्छे नंबर होते हैं, जो केमिस्ट्री में पीरियाडिक टेबल है, पोस्ट ग्रेजुएट डिजर्सन था, डिजर्सन था मेंडली। आप इमेजिन की और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे तो कितनी सारी चीज थी, हमारा दिमाग क्यों नहीं दिख गया। तो ये जाहिर है कि आपको अपने विमर्श को सेट करना है, उन आदर्शों को उभार के लाना है इतिहास में। अभी देख रहे थे कि मैं नाम नहीं लूंगा, किताबें लिखे चले जा रहे हैं, गांधी जी को पीटते जा रहे हैं, गांधी जी को इतना वांग्मय अवेलेबल है, कुछ कहना है तो नया कहो ना।
लोगों को खोजो। और ऐसे हजारों हैं, ऐसे सैकड़ों हैं। मुझे नहीं पता खुदीराम बोस की कोई पुस्तक लिखी गई कि नहीं। वो 16 वर्षीय बालक किस प्रेरणा से आगे बढ़ा देश के लिए, उसको ऐसी कोई परिकल्पना नहीं थी कि देश आजाद होगा, फिर मेरे बाल बच्चे होंगे और उनको पद मिलेगा। हमारा इतिहास उन निस्वार्थ बलिदानियों को क्यों भुला रहा है? इसलिए नहीं भुला रहा, इसलिए भुला रहा है कि हम देखते हैं कि जो सरकारी जीवन है उसमें इसके कितने नंबर मिले। उसके बरक्स हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो उनके जीवन काल में ही विस्मरणीय है, लेकिन अगर सत्ता में है तो उन पर दर्जनों किताबें लिख दी। ये जाहिर इतिहासकार को थोड़ा सा साधक, थोड़ा सा ब्रह्मज्ञानी बनना पड़ेगा। अब आप देखिए हमारे आगे भाई भारत, हम उसने उससे लड़े, उससे हारे, उससे लड़े। इतिहास का विद्यार्थी नहीं होने के कारण मेरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मुझे कोई दृष्टि दोष नहीं है इतिहास देखने में। तो जब मैंने अभी प्रोफेसर साहब, साहिब साहब ने मुझे आमंत्रण दिया, तो मैंने कहा यार कुछ इतिहास पढ़ भी लेता। मैं कई किताबें मंगाई, कई किताबें इकट्ठी की, और मेरे पास भी लाइब्रेरी में 10-15 किताबें थी, अच्छी किताबें थी, उल्टा पलटा। तो मुझे ये ताज्जुब लगा कि अरे भारत विदेशियों से तो कभी हारा ही नहीं है, तो भारतीयों से ही हारा। भारतीय ही भारतीय के खिलाफ लड़े और विजय का भारत दूसरा हो गया, वही शासक भी हो गया। हमारे अंदर एकता नहीं थी, हम विभिन्न गुटों में बटे हुए थे। और आज क्या हो रहा है? हम उस विमर्श को आगे बढ़ा रहे हैं। उस विमर्श को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बोलने की देर हो चुकी, लेकिन मैं कुछ बातें और एक आध आपकी बात कहना चाहता हूं। वो विमर्श मुझे बहुत पीछे ले गया। मैंने एक शब्द और जो भाषा का कमाल है मैंने पढ़ा, इसको आप जानते होंगे, इसको लोग मोफला विद्रोह करके बोलते। आप उसको ठीक से पढ़िए और देखिए कि कौन मरा, किसने मारा, तो आप विद्रोह सब तो भूल जाए। वो जितने भी एक जगह ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के 38 लोग मरे, लेकिन बाकी सरकारी फिगर 3-4 हजार का था, एक्चुअल फिगर 12-13 हजार का था। और अब उसको आप अध्ययन कीजिए इस बारे में से, और वो कैसे शुरू हुआ, एक हवा चलती है, किसने मारा, किसको मारा, ये सवाल बिल्कुल ब्रॉड है। एक हवा चलती है, हवा चलाई जाती है, कहां से चलती है वो भी मैंने देखा। अपनी किताब में उसकी चर्चा नहीं कर पाया, इसलिए मैंने नहीं किया कि वो उसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध और बहुत सारे किस्से कहानी आ जाते हैं, जो अंदरूनी बातें जो चलती हैं वो तो इतिहास में आता ही नहीं है। एक जगह पढ़ रहा था, the worst conspiracies are hatched in the mind, वो कागज पे नहीं आते, उसको सबूत नहीं मिलते, और जो सबसे बड़ा क्रिमिनल माइंड है वो अपने लॉकर में झुनझुना रखता है। कोई झुंझुने क्यों रखे? पैसे तो बेवकूफ रखते हैं। तो ये जो है, अब उस समय क्या हुआ,
कि आपको पता है कि खिलाफत मूवमेंट चला क्योंकि खलीफा अनसीटेड हो गए थे। उसी समय गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था और उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान दोनों साथ मिलकर के इसको सफल बनाए। तो बुढ़े ने जाके शौकत अली से हाथ मिला लिया और जाकर के एक खिलाफत आंदोलन, मतलब ये दोनों बिल्कुल बेमोल जी, अरे कहां खलीफा का वो हो रहा है यार, ये तुम हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हो, किसकी लड़ाई लड़ रहे हो, हूज बैटल यू आर फाइटिंग, एक सवाल दिमाग में आना चाहिए। लेकिन उस समय की परिस्थितियां जो होगी हम उनके जजमेंट क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस क्या उसके परिणाम आज चल नहीं चल रहे, वो इकट्ठे हुए और तब उनको क्या हुआ, जो खिलाफत आंदोलन को लेकर के जो हिंसा हुई जहां जहां भी हुई उसको गांधी को नजरअंदाज करना पड़ा, उसकी डिपापोती के लिए विद्रोह जैसे शब्दों को पॉइंट किया गया, तो दूसरे टाइप की चीज थी। और उसी समय क्या हुआ, एक और प्रकृति जीव ने एक और प्रकृति ने एक और जीव उत्पन्न किए। 1920 में लंदन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई। तो भारत के किस्मत पे वो क्या कहते हैं, दही मथने के लिए जितनी चीजें पैदा हुई उठ जाके लंदन में ही पैदा हुई, और हमारे बैंकों को लूटने वाले पहलवान अभी लंदन में ही जाते हैं। तो आप हमें कह सकते हैं कि भारत के लुटेरों की कैपिटल लंदन है, तो वहां ये पैदा हुई। अब आप देखिएगा जो जनरल सामान्य मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो इस्लामिस्ट हैं हार्डकोर इस्लामिक थ्योरी में भी वो नेशन स्टेट को नहीं मानते, उसकी अवधारणा नहीं है। और हमारे घोर वामपंथी भी नहीं मानते। और जब एक कॉम्बिनेशन इकट्ठा होता है तो एक कॉम्बिनेशन, अब आप देखिएगा इसमें नेशन स्टेट को मानने वाले और गैर मानने वाले, इसको लेकर के क्या क्या चीजें समाज में पैदा होती हैं, क्या क्या विद्रूपताएं आती हैं, ये आपका विषय। तो तीन चार बातें जो मेरे दिमाग में घूम रही थी, ऑलरेडी मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया जितना मुझे अलॉटेड था, अधिक समय लेने के लिए मुझे क्षमा करेंगे। मुझे कॉल आ गया है और उसका मुझे सम्मान करना। सर 2 मिनट, सर आपने जो बोला कि भारत होया है, ये देखिए इस संभाषण की एक